भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जय स्वाभिमान। भैया हम आ गए। और मेघना जी आ गए ना हम एक मिनट। हाँ दिख रहा है मुझे, अंधा नहीं हूं मैं। जय स्वाभिमान। भीम भैया मेरे पापा बदल गए। चलो अच्छी बात है, तुम तीनों अस्पताल चलो, जल्दी चलो। हाँ भैया दीजिए, छोड़ दो दीजिए भाभी। चल बाला आ जा। हमारी ये झाड़ू क्रांति ऐसे ही चलती रहेगी, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं फिर हमारी ये मुहिम आगे बढ़ाते हैं। बाबा मुझे लगता है यही सही मौका है, इस भीम की आंखों में ये मिर्ची फेंक कर उसको अंधा बना देता हूं। जब वो देख ही नहीं पाएगा तो दूसरों को दिशा क्या खाक दिखाएगा। और वो कहते हैं ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। बेईमानी कहीं भी हो अच्छी बात नहीं है, छोड़ो। ए कुत्ता हाथ छोड़ मेरा। अरे सुषमा बाबा बाबा बहुत गलत किया तुमने। याद रखना रमा, तुम इन सबके साथ अस्पताल जा, मैं बाकी लोगों को देखकर कुछ काम खत्म करके आता हूँ। बाबा जाइए जाइए करके। शिशुपाल तू ठीक तो है ना बेटा? बाबू अभी भी बहुत चल रहा है। हो जाएगा, घबरा मत, शांत रह, मैं देखता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर साहब देखिए ना, बेटे को अभी भी बहुत जलन हो रही है, देखिए देखिए ना। देखिए हमने दवा लगा के पट्टी कर दी है, परसों सुबह तक ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब कोई डरने या घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दवा अपना काम कर रही है, आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये पट्टी कब तक उतरेगी? पट्टी 2-3 दिन में शायद खुल जानी चाहिए, आंखें ठीक हो जाएंगी तो पट्टी अपने आप खुल दी जाएगी। डॉक्टर साहब ठीक होने में ज्यादा समय किसको लगेगा, ऊंची जात के शिशुपाल को या फिर निम्न जात के आनंद बाला
या करुणा, देखिए जब समस्या एक जैसी है तो ठीक होने में समय भी एक जैसा ही लगेगा। अब आप लोग जा सकते हैं, और हाँ आप लोग भी जा सकते हैं। बाबा चलिए। मेघनाथ जी, जरा गौर से देखिए, आपका बेटा सहारा लेकर चल रहा है और मेरे भैया भाभी भी सहारा लेकर चल रहे हैं। जब बाबा ने डॉक्टर साहब से सवाल पूछा तब उन्होंने जवाब क्या दिया सुना आपने? जब समस्या एक समान है तो ठीक होने में समय भी एक जैसा ही लगेगा, और इसी का मतलब है कि हमारे बीच सब कुछ एक जैसा है, बस आपकी जिद बहुत बड़ी है। और ये मैं हमेशा से कहता आया हूं आपसे, आपसे क्या सबसे, कि हम सब एक जैसे हैं। जात के नाम पर भेदभाव करना, लड़ाई झगड़ा करना गलत है। आज भी मैं कह रहा हूं आपसे, उस अखबार के ऑफिस में वापस काम करने का मौका दीजिए मुझे, तो मुझे और मेरी जात के लोगों को ये एहसास होगा कि हमें कुछ तो अधिकार मिल रहा है, तो हमारे बीच का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा, इसकी बकवास बिल्कुल मत सुनो। हाँ बेटा, ऐसा ही होगा। तू शांत रह। भीमराव, मुझे ये जात पात की बराबरी का प्रवचन देने से अच्छा है, अरे थाने वाने जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ गलत कर दिया, ये तुम्हारे लायक काम है। और रही बात नौकरी की ना, तो उसके सपने देखना भूल जाओ, क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। चल बेटा। तो मैं लिखवाऊंगा ही, लेकिन एक बार आपको समझाने की कोशिश करके देख रहा था, असफल हो गया। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुम जैसा कोई आदमी समझाए कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही। और वैसे भी ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है ना, देखते जाओ ये लड़ाई कितनी बड़ी बनाता हूं मैं। वैसे देखा जाए तो आज की लड़ाई के हिसाब से भी हमारा तो बस एक सिपाही घायल हुआ है, और तुम्हारे वो तीन तीन। तो उस हिसाब से भी आज हमारी जीत हुई और तुम्हारी हार। ऐसे ही आगे भी बार बार हारने के लिए तैयार रहना। चल बेटा, आराम से। हाँ बहादुर बेटा मेरा, शाबाश। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, उसका होना व्यक्ति को कोई भी फैसला लेने में असंतुलित कर ही देता है। इन्हें बड़े जात का दंभ है, लड़ो भीम, लड़ो। जी बाबा। हौसला रखना, तेरा बदला लेंगे उस भीमराव से। उस भीमराव ने जिस लड़ाई की शुरुआत की है ना, उसका अंत मैं करूंगा। महिपाल। जी बाबा। मैं और शिशुपाल घर जा रहे हैं, और तू अभी इसी समय उस निम्न जात वालों के पास जा, और जैसा मैं कह रहा हूं ना बिल्कुल वैसा ही करना। फिर देखता हूं कल कैसे चला पाता है वो भीमराव अपनी झाड़ू क्रांति। कल के कल उन सबकी झाड़ू को आग लगा दूंगा मैं। बाबा, मैंने सोचा नहीं था कि ये झाड़ू आंदोलन बन सकती है।
अब तो ये लड़ाई जीत कर ही मानेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, क्योंकि इस लड़ाई में हमारे साथ कई लोग जुड़ गए हैं। कोई भी चीज हथियार बन सकती है अगर उसके उठाने के पीछे कोई ठोस और क्रांतिकारी मकसद हो। और बाबा ये भी समझ आए कि व्यक्ति को बांधने का काम कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, कोई भी भावना कर सकती है। ये घटना बस इतनी ही घटी थी कि मेरे पति को नौकरी से निकाल दिया गया था और आज ये बात सबके स्वाभिमान से जुड़ गई है। सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इस स्वाभिमान यात्रा में कुछ तो काम किया। कुछ? आनंद भैया आपने बहुत कुछ किया है। आपने, बाला भैया ने, करुणा भाभी ने जो बलिदान दिया है ना, इस बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। और किसी भी लड़ाई में बलिदान उस लड़ाई को बहुत बड़ा बना देता है। आप सबने बलिदान दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि आनंद भैया, बाला भैया, करुणा भाभी, आप तीनों घर जाकर आराम कीजिए और हम सब मिलकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, मैं और लक्ष्मी दीदी इन सबको घर लेकर चलते हैं और मैं आते वक्त कंबल भी लेकर आऊंगी, रात में काम आएगा। चल। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इस स्वाभिमान यात्रा का हिस्सा बनकर रहना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी आप सबके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उन योद्धाओं में गिना जाऊं जो घायल होकर लौट जाने के लिए याद किए जाते हैं। हाँ, हम वैसे भी झाड़ू लगा लेंगे, क्या होगा अगर नहीं दिखेगा तो, थोड़ा भटक जाएंगे, लेकिन हम इस यात्रा में साथ रहना चाहते हैं। लेकिन करुणा भाभी, आप सबकी हालत तो देखिए, इस हालत में मैं आपको काम करने के लिए नहीं कह सकता। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो अमानवीय व्यवहार हो जाएगा। भीम सही कह रहा है। लेकिन बाबा, हम साथ में चल तो सकते हैं ना। जय स्वाभिमान का नारा लगाकर कम से कम औरों का हौसला बुलंद करने में मदद तो कर सकते हैं। हाँ भीम, मना मत करना। ठीक है, चलिए। चलिए। अरे ये काम तो भीमराव बचपन से करता आ रहा है, खुद के लिए लड़ता है और कहता है कि समाज के लिए लड़ रहा, पर समाज के भोले भाले लोग पता नहीं कैसे उसके जाल में फंस जाते हैं। अब अपने पुरुषोत्तम को देखो, फंस गया ना भीम के जाल में। नहीं तो जो कल तक उसका दुश्मन था, आज दोस्त कैसे बन जाएगा? आज वो पुरुषोत्तम उस भीमराव के आगे झुक कर जय भीम करने गया। सोचो। हाँ तो क्या हो गया, जैसे बाला आनंद की आंखों की हालत है वैसे पुरुषोत्तम की भी हो जाएगी। जनार्दन, वैसे स्वाभिमान के संघर्ष को छोड़कर यहां बैठे बैठे भाषण देने से अच्छा है कि तुम लोग भी आनंद और बाला की तरह कुछ करो। हाँ, ये सही बात कही इन्होंने। अपने एक भतीजे को जिताने के लिए संसार भर को वीरगति दिलवा सकती है ये औरत। जीजा भाई, चाहे संसार भर को वीरगति दिलवा दे, लेकिन मैं हितेश कभी भी भीम के पक्ष में नारे नहीं लगाऊंगा और उसके लिए शहादत तो नहीं ही दूंगा, देख लेना। और हम भी, एक बात कान खोलकर सुन लेना, हम सब जीजा भाई के पक्ष में है और हमें पूरा विश्वास है कि जीजा भाई मर जाएगी लेकिन जय भीम कभी नहीं बोलेगी। क्यों मनोहर भाऊ? और नहीं तो क्या, हम भीम राव की जय
कभी नहीं बोल सकते। अरे कभी नहीं। मुझसे भी कोई भी कभी भी भीम की जय नहीं बुलवा सकता। अरे जो बेवजह दर दर भटकता हो उसकी जय कौन बोलेगा? बोलेंगे जीजा भाई, तू भी बोलेगी और सब बोलेंगे जय भीम, क्योंकि मैंने भीम को बचपन से लेके आज तक देखा है और मुझे पता है कि भीम जीवन में कहां तक आगे जा सकता है। मीराबाई, दुनियादारी हमने भी देखी है, शुक्र मनाओ कि तुम्हारा भतीजा भीमराव अभी तक जिंदा है, नहीं तो जिस तरह वो ऊंची जात के लोगों के साथ लड़ता रहता है ना, पता नहीं किस दिन मर जाए। नितेश भाऊ, अब तक भी कैसे कैसे ही बचा है। सही है, शुक्र तो तुम सब मनाओ कि भीम हमारे बीच में है, हमारी जाति में पैदा हुआ है। तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं भीम की बुआ होकर बहुत खुश हूं। तो खुश रहो, किसने रोका है, रहो। भीम भैया, आज हम पूरी रात झाड़ू लगाएंगे। पूरी रात झाड़ू लगाएंगे सब। इतनी जिद भी अच्छी बात नहीं है भीमराव, महंगी पड़ेगी ये जिद तुझे। पुरुषोत्तम काका, आपको अपने साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। देर से ही सही, लेकिन आप आखिर में समझ ही गए कि ये लड़ाई हमारी पूरी जात की लड़ाई, हम अपनी जात की तरफ से इन लोगों से लड़ रहे हैं। बस मैं चाहता हूं कि एक और बात आप समझ जाइए। दीपक बहुत समझदार हो गया है। जैसे वो अपनी आई से प्यार करता है, वैसे ही वो अपने बाबा से भी प्यार करता है, वरना आपको छुड़ाने पुलिस थाने क्यों जाता वो? ये लीजिए, और आप बस दीपक की भावनाओं को, उसकी जरूरतों को समझिए, उस पर दबाव मत डालिए, उसे पढ़ने दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। उसके जैसे लोग पढ़ेंगे तभी तो हमारे समाज की बेड़ियां टूटेंगी और हम आजाद होंगे। तुम सही कह रहे हो भीम, अब मैं दीपक पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जबरदस्ती नहीं करोगे? मेरे पैसे? रुक, बताता हूं। अच्छा है कि आप समझ रहे हैं। चलिए अब आराम से चाय पीजिए, हम बाहर देख कर आते हैं कि जो और लोग झाड़ू लगा रहे हैं उन्होंने चाय नाश्ता किया या नहीं। हाँ, पुरुषोत्तम, क्या हुआ शादी का? बस थोड़ा और समय दे दीजिए। कितना समय दूं? कितना?
पैसा दे नहीं तो झाड़ू मारने लायक भी नहीं रहेगा तू। एक ही तरीका बचा जिससे शादी हो सकती है। क्या